मैं विनीता मौर्य प्रयाग स्टेट बोर्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस समय आ चुके हैं प्रयागराज इलाहाबाद और अल्लाहपुर के लेबर चौराहे में मैं इस समय हूँ। ये यहाँ पर जो प्रयाग स्वीट हाउस, ये जो अल्लाहपुर में है, ये दुकान बहुत ही फेमस दुकान है और ये अपने समोसे और लंगोटा के लिए बहुत ही फेमस है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है समोसे खाने के लिए, और यहाँ पर लगभग स्टूडेंट ज्यादा आते हैं समोसे खाने के लिए शाम के टाइम में। देखिए यहाँ पर ये लौंगते बन के निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं लौंगते यहाँ पर एकदम ताजे और एकदम फ्रेश लौंगता बन के तैयार हो रहे हैं। इनका जो बनाने का प्रोसेस है, पहले इसको, ये मैदा है, मैदे से बनाया जाता है और इसके अंदर मावा भर के बनाया जाता है, फिर इसको सीढ़े में डुबाया जाता है। इसको तलने के बाद पहले इसको डीप फ्राई किया जाता है, उसके बाद इसको मावा, इसको सीढ़े में डुबाया जाता है। और उसको देखिए समोसे भी फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए जूम करके मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए समोसे से फ्राई हो रहे हैं और ये एक साइड से हो चुके हैं, मुझे लगता है कि पलटने के प्रोसेस में आ चुके हैं। और ये एक समोसा जो है 8 रुपए का होता है, एक समोसा 8 रुपए का होता है। और एक समोसा खाने में मुझे लगता है कि एक समोसा आप खा लेंगे तो पेट आपका भर जाएगा, 2 समोसा खाने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, मैं एक समोसा खा सकती हूँ यहाँ पर। और इसको ये चटनी के साथ में देते हैं, लाल चटनी के साथ में देते हैं। यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज में समोसा हमेशा चटनी के साथ में सर्व किया जाता है, या लाल चटनी या फिर हरी चटनी के साथ में। तो ठीक है, अब हम समोसे को टेस्ट करते हैं। ये मैं आ चुकी हूँ अंदर रसोई में इनके, जहाँ पर ये समोसे बन रहे हैं। समोसे बनाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमें मालूम चलेगा। ये हमारे बीच जितेंद्र जी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, कारीगर हैं और समोसे बना रहे हैं। ये देखिए समोसे किस तरह से बेल रहे हैं, ये हमें बताएंगे समोसे बेलने का जो, समोसे बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरह से समोसे बनते हैं। तो जितेंद्र जी आप हमें बताएंगे समोसे कैसे बनते हैं। पहले आलू जैसे बॉयल वॉयल होता है, उसको ढेर सारे मसाले पड़ते हैं, अच्छा मिर्चा वगैरह, अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर उसको ठंडा करके उसमें मसाले वसाले। जितेंद्र जी का कहना कि पहले आलू को बॉयल किया जाता है, फिर उसमें सारे मसालों को, समोसा मसाला और बाकी और भी जो चीजें उसमें ऐड की जाती हैं, सारी चीजें ऐड की जाती हैं। और ये जो मैदा है, मैदे को किस तरह से गूंथते हैं समोसे का, जो मोयम डाल के गूंथते हैं। और आपने क्या डाला इसमें, कुछ काला काला मुझे दिख रहा है, अजवाइन और मंगलेर का इन्होंने फ्लेवर दिया जो कि समोसे के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। जिस तरह से मठरी बनती है, मठरी में डालते हैं अजवाइन डालते हैं और मंगरेल डालते हैं, उसी तरह से इन्होंने समोसे में भी अजवाइन और मंगरेल का फ्लेवर दिया है। अच्छा, और मैं जहां तक मैं जानती हूँ, जो हमारा जो इलाहाबाद का जो समोसे का जो स्वाद है, जो मसाला है, ये हमारे इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास क्षेत्रों में ही मिलता है। क्षेत्रों से मेरा मतलब है कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, बाकी अदर स्टेट में दिल्ली या फिर कहीं और आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया कि कैसे उसका आलू तैयार करते हैं और आलू मैदा किस तरह से गूंथा जाता है समोसे का। अब आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये उसमें स्टफिंग कर रहे हैं, किस तरह से मसाले को भर रहे हैं। आप देखिए कितनी आसानी से, पहले इन्होंने तिकोना उसको काटा है, देखिए किस तरह से, ये इस तरह से इन्होंने मसाले को भरा, पानी लगाया और ये देखिए बड़ी आसानी से उन्होंने उसको बना दिया, कितना अच्छा शेप आया। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए ये पानी लगाकर समोसे को कवर कर रहे हैं ताकि उसमें से जो मसाला है बाहर ना निकले फ्राई करते समय। समोसे को जो फ्राई करने का जो प्रोसेस है, ये यहाँ के कारीगर हैं, ये बताएंगे हमें। हाँ बताइएगा सर। इसको पहले धीमे आंच में उसको डीप फ्राई किया जाता है हल्का, उसके बाद तेज किया जाता है पकने के लिए। अच्छा, उसके बाद पकाया जाता है समोसे को। पहले ये धीमी आंच में एकदम डालते हैं कढ़ाई में, फिर उसको मीडियम आंच में करते हैं, फिर धीमी आंच में करते हैं, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया जाता है। हम इसको हाई फ्लेम पे अगर करेंगे तो समोसे हमारे जल जाएंगे और अच्छे से नहीं पक पाएंगे, है ना, कच्चा रह जाता है अंदर से। तो इसलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम हमेशा समोसे को फ्राई करेंगे। लता को भी इसी तरह से फ्राई किया जाता है, पहले इसको लो फ्लेम पे कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसके बाद इसको धीमी आंच में एकदम, देखिए इसको धीमी आंच में, मध्यम आंच में एकदम इसको लो फ्लेम पे इसको पकाया जा रहा है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद इसको पलटेंगे हम, फिर से इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। जब दोनों साइड से हमारे ये लौंगता हो जाएंगे, फिर तब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसको मीडियम और लो फ्लेम पे हमें पकाना है, इसको हम तेज आंच में नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे लौंगता जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो दोनों का प्रोसेस सेम है, समोसे और लौंगलता का। समोसे को इन्होंने दो तरह की चटनी के साथ सर्व किया है, एक लाल चटनी है एक हरी धनिया की चटनी है। जो लाल चटनी है इसको इन्होंने टमाटर और इमली के साथ में बनाया है और इसमें गुड़ भी डाला हुआ है, जो कि गुड़ तो आप जानते हैं गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गुड़ से चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और ये हरी चटनी है, इसमें मिर्च धनिया और अदरक का फ्लेवर इन्होंने दिया है जिससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं समोसे का क्या हाल है, अंदर से देखते हैं। देखिए मैं समोसे को खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर मसाले कितने अच्छे से भरे हुए हैं और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट समोसा है। इसका फ्लेवर भी अब मैं चखती हूँ, पहले मैं लाल चटनी के साथ खाऊंगी इसको। बहुत ही टेस्टी समोसे हैं इनके आगे, जितना मैंने सुना था उससे अच्छे समोसे हैं ये। मैंने अभी तक जितने समोसे खाए हैं सबसे बढ़िया समोसा इनके यहाँ होता है प्रकाश स्वीट हाउस। आप जब भी यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज आइए, अल्लाहपुर जरूर आइए और प्रकाश स्वीट हाउस में आकर समोसे और लौंगता आप जरूर टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छे हैं। ये प्रकाश चंद्र जी हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। प्रकाश चंद्र जी, आपकी दुकान ये कितने सालों से है यहाँ पर? 94 से इनकी दुकान ये यहीं पर है और 94 से ये ऐसे ही समोसे और लंगता बेच रहे हैं और बहुत ही फेमस हो गए हैं ये यहाँ पर। और कुछ आप बोलना चाहेंगे अपनी दुकान के लिए, कुछ बताना चाहेंगे हमें? नहीं, बस इतना ही। बस आप समोसे और ये लौंगता ही देते हैं, मिठाइयाँ वगैरह भी रहती हैं? मिठाइयाँ भी रहती हैं। मिठाइयों में क्या क्या वैरायटी है आपके यहाँ? मिठाइयों में सभी वैरायटी है, खोए की, छेने की, गुलाब जामुन सभी। अच्छा, सभी वैरायटी है, ठीक है। हमने इनके समोसे चख लिए हैं, अब हम इनकी लौंगलता भी चखेंगे किस तरह से इनके लौंगलता है। लौंगलता जो बनाए जाते हैं, पहले लौंगलता को गूंथा जाता है, ये मैदे को पहले गूंथते हैं मोयम डाल के, फिर इसमें मावा भरा जाता है, फिर इसको इस तरह से लपेटा जाता है, फिर इसको डीप फ्राई किया जाता है, फिर इसको सीढ़े में डुबाया जाता है। अब हम इसको हम टेस्ट करते हैं। हमारे बीच ये आलोक जी हैं जो यहाँ पर कोचिंग में टीचर हैं, संस्कृत टीचर हैं ये, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूपीटेट पढ़ाते हैं, पीजीटी पीजीटी संस्कृत लेवल का ही पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं ये। और ये हमारे बहुत, ये हमसे सीनियर है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई भी किए हैं और यहाँ पर अक्सर आते जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर आइए इस दुकान पर। देखिए हम लोग नौबता इंजॉय कर रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं खाने में आपको, क्या कुछ बताएंगे नौबता? अच्छा, आलोक जी का कहना है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ समोसे और लौंगलता बिना खाए यहाँ से नहीं जाता हूँ, तो अब मैं भी खाकर देखती हूँ लौंगलता कैसे है। समोसे तो मैंने टेस्ट कर लिए थे, अब लौंगलता भी खाती हूँ मैं। बहुत ही मीठे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, इसके अंदर मावा भरा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके अंदर ये जो मावा डाला गया है, ये इससे लौंगता का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए इसको खाकर खत्म करते हैं जल्दी से, फिर हम आगे जाते हैं। ये यहाँ पर अल्लाहपुर लेबर चौराहे की सब्जी मंडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारी सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। मैं आपको एक बार पूरा दिखा रही हूँ नजारा। गोजर। और ये यहाँ पर मैं गाजर के ठेले पे खड़ी हुई हूँ और गाजर को ये लोग गोजर गोजर कहकर बेच रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैंने सोचा गोजर क्या होता है, गोजर क्योंकि मतलब गोजर तो मुझे लगता है कीड़ा होता है और ये है ना, हाँ गोजर होता है, गाजर नहीं बोलना, गोजर गोजर ऐसे चलता है। अब ये लोग मतलब ये भी बेचने का एक मार्केटिंग का एक अनोखा तरीका है कि गाजर को गोजर, लोग आकर्षित होते हैं गाजर के प्रति। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, तो अपनी नई वीडियो के साथ।